कांग्रेस गई के संकल्प के साथ प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रयागराज से महापौर पद के प्रत्याशी श्री गणेश केसरवानी जी को लेकर के जितना कार्यकर्ता में उत्साह है उतना ही जनता में भी उत्साह है। मुझे विश्वास है 4 मई को भारी मतदान करेंगे लोग और 13 मई को वोटों की गिनती के बाद प्रयाग महानगर के महापौर प्रदेश के 17 नगर निगमों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले महापौर होंगे। इनका सदन भारी बहुमत वाला होगा और प्रयागराज विकास का एक नया इतिहास रचने का काम श्री गणेश जी के नेतृत्व में करेगा। देश और प्रदेश की सरकार की ओर से मैं प्रयागवासियों को प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकास में के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोग कमल की बटन दबाएं और सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी, सुशासन की गारंटी पाएं। इसलिए सपा बसपा को लोग गए हैं भूल, सभी बूथ पर खिला रहे कमल का फूल। धन्यवाद। अर्जुन खड़गे का बयान है जिसमें उन्होंने मोदी जी को और भाजपा को साफ बताया है, इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस का जो शब्दों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान किया जाता है और वह भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे जो इनकी सदस्यता भी अब जा चुकी है, अब मुकदमा जनता की अदालत में और कांग्रेस मुक्त भारत बना करके, कांग्रेस मुक्त कर्नाटक बना करके, कमल युक्त भाजपा युक्त पूरा देश बना करके लोग इसका जवाब दें। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, प्रमोद तिवारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बाप हैं लेकिन भाजपा के 2 बाप हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेसियों की भाषा का संस्कार नहीं बचा है। मैं उनके लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, उम्र में उससे बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे यही अपेक्षा है चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, कोई सपा का हो, बसपा का हो, भाषा की मर्यादा सबको ध्यान में रहना चाहिए। के चुनाव में लोगों के बीच में जाता था, 17 के बाद 19 में जाता था, 22 में जाता था, तो नारा लगाता था 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन आज गणेश केसरवानी जैसा समर्पित एक गरीब परिवार से हमारा कार्यकर्ता काम करता हुआ महापौर का प्रत्याशी बना है, तो आज मैं नारा लगा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। के चुनाव में लोगों के बीच में जाता था, 17 के बाद 19 में जाता था, 22 में जाता था, तो नारा लगाता था 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन आज गणेश केसरवानी जैसा समर्पित एक गरीब परिवार से हमारा कार्यकर्ता काम करता हुआ महापौर का प्रत्याशी बना है, तो आज मैं नारा लगा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है।